इसमें इंटीरियर पूरा किट लगने वाला है। अच्छा, इंटीरियर किट लगने W8 वाला। वही वाली बात है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। कुछ भी नहीं छोड़ना है, टोटली काम करना है। पीछे का टेल लाइट भी लगाना है, डिक्की वाला जो W4 में नहीं आता है। तो टोटली A to Z इसके अंदर काम हो रहा है। फ्रेंड्स भैया देखेंगे, ठीक है, तो हर एक चीज इसके अंदर चेंज कर दिया गया है। ठीक है, कोई नहीं बता सकता ये W4 है। अंदर वाला पीस भी चेंज कर दिया है जो डिक्की के साथ लगा होता है, और बिल्कुल हमने कर दिया इसे W8। एक नंबर भाई, मजा आ गया भाई। मॉडिफिकेशन छोड़ो भाई, एक नंबर। अरे वाह भाई, ने शेर को सवा शेर बना। अरे वाह। गाइस वन सेकेंड आए हम लोग कार कस्टम अल्टीमेट, और हमारे सामने दी ऑल न्यू XUV का बेस मॉडल W4 सनरूफ ब्लैक कलर। भाई ऐसी है गाड़ी, जब से बेस मॉडल मैंने इसका लग ही लुक है, तो इसको बेस मॉडल रहने का देंगे हमारे राकेश भाई। राकेश भाई कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट फिट और सुपर हिट, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, तो राकेश भाई आज की इससे XUV 300 हम किस लेवल तक लेके जा रहे हैं? बिल्कुल टॉप। अच्छा, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हम। ठीक है, हर एक चीज लग रहा है, हर एक से लेके जेड तक कोई बता ही नहीं पाएगा बेस मॉडल। बिल्कुल नहीं बता पाएगा, क्योंकि हर एक चीज लग रहा है। ऐसा कोई चीज नहीं जो इसके अंदर छूट रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अलॉय लग रहा है। ये देखो पूरा पैक है, चारों यहाँ पे रखा हुआ है, जेन्युइन महिंद्रा का। ये देखो भाई अलॉय हमारा साथ डायमंड डिजाइन के अंदर। ठीक है, ठीक है, अब टायर खुल रहा है, वहाँ पे देख सकते हैं लड़का टायर यहाँ पे खोलना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बम्पर खुला हुआ है। ठीक है, फिर लाइट यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे फोग लाइट लग रहा है, अब DRL लगेगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हॉर्न लगने वाला है। ठीक है, और LED पूरा नीचे से ऊपर तक LED वाइट, पूरा LED का सेटअप होगा, पूरा सेटअप LED का होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अपर ग्रिल लगेगा। ठीक है, लोअर ग्रिल लग चुका है, लोअर ग्रिल लग गया भाई हमारा, लोअर ग्रिल लग चुका है। ठीक है, ठीक है, ये साइड प्रोफाइल में जैसे आते हैं भैया, तो अलॉय तो खुली रहा, अलॉय लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बेंट लगेगा, इंडिकेटर हटा देंगे। बिल्कुल, ऑटो फोन मिरर यहाँ पे लग चुका है, लग चुका है इंडिकेटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अभी डोर वाइजर लगना बाकी है, 360 का भी सेटअप है राकेश जी। बिल्कुल, यहाँ पे देखेंगे मिरर के साथ यहाँ 360 लग रहा है। ठीक है, मतलब की टोटली टॉप ही हो रहा है। आप ये सोचो ना, छोड़ो ना, आप टोटली टॉप ही हो रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। उसके बाद बैक में आते हैं भैया, तो बैक में यहाँ पे देखते रियर गार्ड ब्लैक लगा दिया गया है, ये ब्लैक लग गया हमारा। यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगा दिया गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे लगेगा भैया पार्सल ट्रे। ठीक है, साथ में एम्बियंस लाइट यहाँ पे लग रहा है अभी। ठीक है, K3 रहने वाला है, K3 रहने वाला है। उसके बाद ये देखिए लोअर गार्निश है, ये लगेगा स्पीकर जो हमने लगाया भैया, एवाटार का लगाया, कंपोनेंट कोएक्सियल। ठीक है, साथ में रियर गार्ड ब्लैक है, यहाँ पे डिफ्यूजर लगने वाला है पीछे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 360 कैमरा यहाँ पे। अच्छा, चारों का जो कैमरा का सेटअप, बिल्कुल अंदर जो है सीट कवर W8 ऑप्शनल वाला इसमें अंदर लगा है। स्टीयरिंग वॉन कंट्रोल दोनों तरफ वाला लगेगा। ठीक है, ठीक है, और पूरा पियानो डैम्पिंग भी हो गई है। बिल्कुल, यहाँ पे देखेंगे डबल लेयर डैम्पिंग, डबल लेयर के अंदर है, SPG का है, SPGA का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पीछे कोएक्सियल एवाटार जो ये रहने वाला है अपना, ये देखो भाई ये रहने वाला है, आगे कंपोनेंट रहने वाला है। ठीक है, पूरा सीट कवर बिल्कुल टॉप मॉडल वाला है हमारा भाई, ये उसके बाद नीचे फ्लोरिंग देखेंगे आप, क्रोकोडाइल फ्लोरिंग बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं भैया, तो आगे भी डैम्पिंग होना है। सेंटर लॉकिंग इसके अंदर लग चुका है भैया। ठीक है, यहाँ पे सेट लगना है, और हर एक पार्ट खुला हुआ है। ठीक है, इसलिए खुला हुआ है क्योंकि इसमें इंटीरियर पूरा किट लगने वाला है। इंटीरियर किट W8 वाला, वही वाली बात है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, टोटली काम करना है। पीछे का टेल लाइट भी लगाना है, डिक्की वाला जो W4 में नहीं आता है। तो टोटली A to Z इसके अंदर काम हो रहा है। चलो भाई बढ़िया चीज है गाइस, तो अगर मॉडिफिकेशन हो जाते फिर मैं आप लोग को दिखा दूंगा। तो काम काफी चल रहा है, पूरा लोड होना है, तो एक बार रेडी हो जाए फिर मैं आप। सो गाइस ये वो फाइनल टाइम जिस टाइम हमारी XUV 300 टोटली बेस टू टॉप रेडी हो चुकी है, और एक भी ऐसी चीज नहीं जो इसमें छूटी हुई हो, सारी की सारी मॉडिफिकेशन कर दी गई है। तो राकेश जी कंप्लीट है? बिल्कुल, और बिल्कुल गाड़ी हमारी कंप्लीट है। ठीक है, और हम यहाँ पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं मेरे साथ दो महारथी और है यहाँ पे जो खड़े हैं मेरे साथ। ठीक है, ठीक है, इसका नाम है जयदीप। ठीक है, इसका नाम है संदीप। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे को दुकान पे आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, मैं पहले इनका इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, उसके बाद मैं गाड़ी का हर एक चीज आपको दिखाऊंगा एक एक करके। ठीक है, तो ये है जयदीप, जयदीप तिवारी इनका नाम है। तो जैसे मेरे को थोड़ा सा लेट हो जाता है आने में, घर से चाहे कोई काम पर जाता है तो लेट हो जाता है, तो ये आपको डील करेगा। तो आप गाड़ी लेकर के आते हैं मार्केट में, कहीं भी आप भटक जाते हैं तो आपको मेरा दुकान नहीं मिल पाता है शॉप, तो ये देखिए ये संदीप है, ये संदीप है, ये गाड़ी लेकर के आपको मेरे पास आएगा। ठीक है, ठीक है, और ये जैसे कि आप मेरे को फोन करेंगे तो मैं इसको संदीप को फोन करूंगा और आपका नंबर संदीप को दूंगा, तो संदीप आपको गाड़ी लेकर के आपके साथ बैठ करके दुकान तक आएगा। चलो ठीक, प्लस उसके बाद दुकान पे आने के बाद जब
जब एस्टीमेट बनेगा, मेरे को थोड़ा सा लेट भी हो जाता है कभी कभी, तो एस्टीमेट बनेगा तो जयदीप बनाएगा, आपको पूरा डील करेगा, ठीक है? बाकी डिस्काउंट का बात होगा तो मैं आपके लिए बैठा ही हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइस अब एक एक करके इस कार की मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये हमारी बिल्कुल W4 जो फेसलिफ्ट सनरूफ है वाला मॉडिफिकेशन, वो वाली हमारा मॉडल रहने वाला है। बट भाई जहां हमारे राकेश भाई है तो इसको वही W4 बेस मॉडल कहां रहने देंगे, A to Z जिसे कहते हैं ना, A to Z, वो A to Z राकेश जी मॉडिफिकेशन बिल्कुल। जैसे कि आप फ्रंट से भैया देखेंगे, ठीक है, तो हर एक चीज इसके अंदर चेंज कर दिया गया है, ठीक है। कोई नहीं बता सकता ये W4 है, ठीक है, कोई नहीं बता सकता ये W4 है, क्योंकि हर एक चीज हमने इसके अंदर से चेंज कर दिया, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले भैया हम फ्रंट से आपको दिखाएंगे, तो फ्रंट से मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे पहले लोअर ग्रिल। लोअर ग्रिल हमारा ये देखो, लोअर ग्रिल देख सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन महिंद्रा का पार्ट्स रहने वाला, लोकल कुछ भी नहीं रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद ऊपर भैया यहाँ पे जाते हैं अपर ग्रिल, ठीक है, ठीक है। अपर ग्रिल देख सकते हैं बिल्कुल जिसे नीचे है वैसे ऊपर है, ठीक है। उसके बीच में लगा है 360 कैमरा, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद भैया देख सकते हैं हेयर लाइट हमने पूरा चेंज कर दिया है, ठीक है, और नीचे DRL भी लगा दिया है, जैसे कि पूरा दोनों तरफ का हेयर लाइट देखेंगे तो पूरा M बन रहा है, हमारा M हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल और डिस्काउंटेड रेट के अंदर, उसके बाद भैया आप देखेंगे नीचे तो फोग लाइट लगाया है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। और फोग लाइट का बेजल जो है ना वो पियानो ब्लैक के अंदर रखा गया है, कोई भी लोकल सामान इसके अंदर नहीं लगाया गया है, टोटल जेन्युइन महिंद्रा का पार्ट्स लगाया गया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक हॉर्न अपग्रेड किया गया है भैया, ठीक है, ठीक है। तो फ्रंट से आप देखें ग्रिल भैया कॉम्बो रखने के लिए W6 वाला लगाया गया है, इसमें सिल्वर बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर आप क्रोम भी लगवा सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला जो है ना वो पूरा का पूरा सिल्वर ही आता है, इस वजह ऊपर हम सिल्वर ही किए, वैसे आप क्रोम में भी ले सकते हैं मेरे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद हेयर लाइट में भैया हमने LED डाला है, जिसका गारंटी 2 साल रहने वाला है, और फोग लाइट में भी LED डाला है, जिसका गारंटी 1 साल रहने वाला है, जो परफेक्ट चलेगा, परफेक्ट फिट और सुपर हिट है, ठीक है। कभी भी कोई दिक्कत आएगा तो आपका भाई राकेश तिवारी बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, वैसे जो भी हम लगाते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीका से ही लगाते हैं, और बिल्कुल प्लग एंड प्ले ही लगाते हैं, बेहतरीन, ठीक है। तो भैया फ्रंट से यही था, अब चलते हैं साइड प्रोफाइल के अंदर, और साइड प्रोफाइल में हम आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या लगाया है, ठीक है। तो भैया सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अलॉय, ये देखो भाई अलॉय हमारे, ये डायमंड कट अलॉय है जो हमने जेन्युइन महिंद्रा का ही डाला है इसके अंदर, ठीक है। भैया टायर वही रहने वाला है, लेकिन हमने अलॉय डाल दिया है जेन्युइन महिंद्रा का W8 ऑप्शनल वाला, ठीक है, जो W8 ऑप्शनल के अंदर आता है वही हमने अलॉय डाला है। साथ में यहाँ पे आपको न्यू लोगो वाला आपको बैज मिल जाता है, बैजिंग महिंद्रा का, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने अनबॉक्सिंग करते बिल्कुल बिल्कुल अनबॉक्सिंग करते समय भी हम दिखाए थे, पूरे डब्बे के साथ डबल लेयर के अंदर पैकिंग होके आता है, एक थर्माकोल के साथ आता है और एक थैली के साथ आता है, बिल्कुल। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीका से पूरा न्यू का न्यू लगाया गया है, और बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस में है, 40,000 के अंदर लगाया गया, बेहतरीन 40,000 के अंदर बिल्कुल परफेक्ट तरीका से फिट कर दिया गया इसके अंदर, ठीक है, ठीक है भैया। उससे आगे चलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑटो फोल्ड मिरर, हमारा ऑटो फोल्ड मिरर इसके अंदर लगा दिया गया है, और यहाँ पे आता है भैया इंडिकेटर, तो इंडिकेटर हटा करके हमने यहाँ पे लगा दिया है बैंड लग गया जो रहने वाले GFX G-Drive का, बेहतरीन। इसके अंदर रस्ट जंग कभी भी नहीं पकड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। और साथ में जो हमने ORVM लगाया है, अंदर से भी आप फोल्डिंग कर सकते हैं, प्लस आप सेंटर लॉकिंग जो हम इसके अंदर लगाए हैं लॉक अनलॉक से भी अनफोल्ड और फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं निकालता हूँ की, तो जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे हमने सर भैया को सेंटर लॉकिंग लगा करके दिया है, तो ओरिजिनल रिमोट महिंद्रा का ही लगा करके दिया है, और है। एक नहीं हमने दोनों ही बना करके दिया है, देख सकते हैं हमने दोनों ही करके दिया है। वैसे तो एक आता है, लेकिन आप लोग दो बनवा सकते हैं, दोनों बन जाता है, ठीक है, ठीक है। और चाबी आपका कटिंग वटिंग चाबी का कोई भी नहीं होता है, जिससे कि गाड़ी पे गारंटी पे कोई दिक्कत आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चाबी आपका कंपनी से आता है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, वही चाबी आपका ये लग जाता है, ठीक है, ठीक है। तो दोनों की हमने बना कर दिया जेन्युइन महिंद्रा का। अब जैसे भैया ये देखो, जैसे कि ये आप ORVM देख रहे हैं अनफोल्ड है, गाड़ी हम लोग करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा, ये देखिए फोल्ड हो गया, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही गाड़ी मैं अनलॉक करूंगा भैया, वैसे ही ये
अनफोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं 360 कैमरा भी, ये हमारा 360 का कैमरा, ये ठीक है 360 कैमरा भी लगाया हमने। अब ये देखिए अनफोल्ड किया तो ये हो गया मिरर अनफोल्ड, ठीक है। और साथ में 360 कैमरा अपना, ठीक है, जो रहने वाला है चारों एंगल से परफेक्ट, ठीक है, क्योंकि 360 फ्रंट रियर और दोनों मिरर के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। उससे आगे चले भैया तो ये देख सकते हैं लोअर गार्निश, ये देखो ब्लैक गाड़ी भैया आपका होता है तो क्रोम का आइटम जो लगता है तो चार चांद लग जाता है गाड़ी को, ठीक है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं क्रोम जो यहाँ पे लोअर गार्निश लगाया गया है स्टैंडर्ड स्टील का रहने वाला है, इसमें रस्ट और जंग नहीं पकड़ेगा, ठीक है, ठीक है। उससे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने लगाया इसमें डोर वाइजर जो रहने वाले सीएन लीक का परफेक्ट फिट और सुपर हिट के साथ 3M का टेप लगाया गया इसके अंदर, ठीक है, जो कभी उतरने वाला नहीं है। ये पढ़ करके मैं झुल भी लूंगा गाड़ी हिल जाएगा, लेकिन ये डोर वाइजर उतरने वाला नहीं है, ठीक है। साथ में जो यहाँ पे सिल्वर लाइन जो यहाँ पे दिया गया है क्रोम दिया गया क्रोम लाइन जो दिया गया है इसमें भी आप रस्ट जंग कभी भी नहीं पकड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल सीएन लीक का है, ठीक है। उससे आगे भैया चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लगा दिया स्पॉइलर, ये देखो पूरा मैचिंग कलर वाला स्पॉइलर, ब्लैक गाड़ी है तो ब्लैक स्पॉइलर हमने इसके अंदर लगाया है, ठीक है। और बिल्कुल सेम टू सेम कलर है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। साथ में साइड कंटीना पियानो ब्लैक के अंदर इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया है, ठीक है, ठीक है। जो जो सामान इसके अंदर जो हम लगाए हैं टोटली का टोटली हम जेन्युइन ही लगाए हैं, लोकल वैसे हम लगाते नहीं है, जेन्युइन ही लगाते हैं और आपको, पार्ट्स है बिल्कुल आपको दिखा करके लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे W4 के अंदर क्या होता है भैया, इस वाले पार्ट में ये लाइट आता है, ठीक है, ठीक है, लेकिन अंदर वाला जो होता है डिक्की के साथ जो जुड़ा होता है उसके अंदर नहीं आता है W4 सनरूफ में, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया अंदर वाला पीस भी चेंज कर दिया है जो डिक्की के साथ लगा होता है, और बिल्कुल हमने कर दिया ऐसे W8 ठीक है, W8 हमने कर दिया है। साथ में भैया ये बहुत ही मतलब आप लोगों के लिए डिस्काउंटेड प्राइसेस है, आप लोग आइए मेरे से लगवाइए और बिल्कुल बढ़िया डिस्काउंट लिए और जेन्युइन महिंद्रा का काम करके दूंगा आपको, ठीक है, ये नहीं और सब कुछ दिखा कर ये काम करूंगा आपको। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे भैया रिफ्लेक्टर लगाया गया है, ठीक है, ये मैट्रिक्स रिफ्लेक्टर रहने वाला है, ये इंडिकेटर पे भी काम करेगा, पार्किंग पे भी करेगा और ब्रेक पे भी करेगा, ठीक है। उसके बाद भैया यहाँ पे देखेंगे रियर गार्ड हमने लगाया इसके अंदर ब्लैक वाली, ठीक है, ABS में रहने वाले भैया। उसके बाद इसके पीछे जो है भैया हमने लगाया है डिफ्यूजर भी, ठीक है, जो रहने वाला है बिल्कुल बढ़िया ABS। खाली रियर में डिफ्यूजर लगाया राकेश भैया? सिर्फ रियर में डिफ्यूजर लगाया और रियर गार्ड लगाया, सेफ्टी के लिए बढ़िया रहता है। पीछे से रिक्शा वाला बाइक वाला थ्री व्हीलर कोई भी लगता है अगर टायर वाला तो आपके बम्पर में नुकसान कुछ नहीं होगा, आपका बम्पर सेफ रहेगा बिल्कुल। चलो भाई बढ़िया चीज है गाइस। जैसे कि भैया मैं अब गाड़ी को अनलॉक करता हूँ, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ से गाड़ी को मैं अनलॉक कर दिया तो ये डिक्की जैसे अनलॉक हो गया तो यहाँ पे आप देखेंगे पार्सल ट्रे पूरा ओरिजिनल लोअर ग्रिल और नीचे जो भी पार्ट हेड लाइट रिफ्लेक्टर का पीस वगैरह, ठीक है, यहाँ पे सेट वगैरह जो भी है सब हमने चेंज करके भैया को वापस कर दे दिए, जो भी सामान निकला है, ठीक है। हमारे तो यूज हमारे यूज का नहीं होता है भैया, ठीक है, तो भैया को हमने दे दिया है, ठीक है, ठीक है। वैसे भी आप लोगों को अगर जो हमें ही देना है तो आप लोगों को कुछ पैसा हम लेस कर देंगे और आप लोग हमें जो पार्ट उतारता है W4 का या W2 का वो आप दे सकते हैं, तो पैसा जो भी होगा मैं मैनेज कर दूंगा आपका, आप मुझे दे सकते हैं। चलो तो गाइस अब ना मैं सीधा आप लोग को इंटीरियर दिखाता हूँ, इंटीरियर भी काफी प्यारा रेडी किया गया है, कुछ अलग कुछ यूनिक किया गया, तो मैं सीधा आप लोग को इंटीरियर दिखाता हूँ। गाइस ये हमारी XUV300 का इंटीरियर रहने वाला है भाई, जैसे एक्सटीरियर में कुछ नहीं छोड़ा ना बेस टू टॉप करने में A to Z सारे पार्ट, वैसे इंटीरियर पे ही पूरा ध्यान दिया गया। ये देखो हमारा पूरा का पूरा भाई हमारा डोर ट्रिम आर्म रेस्ट, ये हमारा पूरा का पूरा भाई वुडन पियानो में कह लो पूरा ग्लॉस ब्लैक वाला पैनल, ऑटो फोल्ड का पूरा स्विचेस, हमारी एम्बियंस लाइट, हमारा डोर पे जो लाइट लगता है वो, और भाई बताने लगू तो बहुत कुछ है। राकेश भाई बताओ यार, सबसे पहले मैं भैया आऊंगा सीट कवर पे, अरे ठीक है ना, सीट कवर आप देख सकते हैं महाराजा सीट हाई सपोर्ट वाला, मतलब दोबारा से भैया को पैक कर दिया गया है बिल्कुल। ये भैया का अभी जो शादी है बहुत ही मतलब की इसी 20 तारीख को है, तो भैया पूरा गाड़ी जो बिल्कुल रेडी करवाए हैं और भैया का शादी राजस्थान में है, ठीक है, तो गाड़ी वहीं पे जाने वाली है, तो इसलिए थैली पूरा चढ़ा दिया गया है, जो मतलब कि बिल्कुल नया तो है ही, थैली चढ़ाने से
तो आपको पता ही है अलग से ही लुक आ जाता है। भैया सीधा बताएंगे मैं टॉप मॉडल लेके आया हूँ। बिल्कुल टॉप मॉडल है ही, तो टॉप मॉडल हमने बना दिया भैया, वही तो टॉप मॉडल लेके आया। टॉप मॉडल तो हमने बना दिया ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो टॉप मॉडल ही हो गया, इसको कौन कहेगा लो मॉडल है या बेस मॉडल है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने टॉप ही कर दिया ना इसको। ठीक है, कोई बोल ही नहीं सकता, अगर कोई बोल के दिखा दे तो मान जाए। बिल्कुल, क्योंकि हम कोई सामान ही ऐसा नहीं छोड़े हैं जो इसके अंदर W8 जो लग के आता है, जो ऐसा कोई सामान नहीं छोड़े जो इसके अंदर हम नहीं लगाए। बिल्कुल, W8 में तो ये सब MBS लाइट होगा तो लग के भी नहीं आता है, डैम्पिंग होता भी नहीं है। बिल्कुल, उससे भी ऊपर हमने कर दिया, W8 से भी ऊपर हमने कर बिल्कुल दिया भाई। उसके बाद हमारा आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट तो बिल्कुल सीट और महाराजा सीट वाला है, बढ़िया फिटिंग है, बिल्कुल परफेक्ट फिट और सुपर बक्कट फिटिंग, OEM फिटिंग है। ठीक है, उसके बाद आर्मरेस्ट दे सकते हैं, जैसे हम सीट को लगाए सेम टू सेम आर्मरेस्ट लगाया और जेन्युइन महिंद्रा का आर्मरेस्ट रहने वाला भैया। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अब मैं जाऊंगा डोर पे। ठीक है, तो डोर पे जैसे ही जाऊंगा भैया दिखाऊंगा ये पियानो फिनिश में जो पावर विंडो वाला पीस लगा हुआ है। ठीक है, और बिल्कुल ये जेन्युइन महिंद्रा का पीस है सर, जेन्युइन महिंद्रा का पीस है। ठीक है, और साथ में इसके अंदर तो आपको पहले ही हम दिखा दिए थे जो स्पीकर लगा था एफटार का लगा था, डैम्पिंग डबल लेयर के अंदर किया गया है। ठीक है, साथ में एम्बियंस लाइट यहाँ पे भैया लगाया गया। ठीक है, एम्बियंस लाइट लगाया गया, इसके अंदर 10 कलर है, मल्टी कलर भी है, K3 के अंदर है, कभी खराब नहीं होगा, 1 साल का पूरा गारंटी, मजेदार चीज भाई। ठीक है, उसके बाद डोर आर्मरेस्ट तो आपने दिखाई दिया भैया को, और उसके बाद देख सकते हैं अगर हमारा इंटीरियर W8 वाला, जैसे कि ये पीस वाली बात करेंगे भैया। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, सिल्वर और अपना पियानो ब्लैक। ठीक है, ये आ जाता है स्टीरियो वाला जो फ्रेम होता है भैया, ये भी सिल्वर के अंदर, अंदर वाला पीस पियानो ब्लैक, उसके नीचे वाला सिल्वर जो आर्मरेस्ट पे भैया लगता है वो पियानो ब्लैक और पूरा कॉम्बो होता है। बिल्कुल, स्टीयरिंग जो कंट्रोल लगाया भैया, तो स्टीयरिंग कंट्रोल डबल साइड हमने लगाया, जैसे कि क्रूज में चलाता हूं तो इसमें पूरा लाइट जलता है, देखो। ठीक है, इसमें पूरा दोनों तरफ लाइट जलेगा, वर्किंग लेकिन लेफ्ट का हमारा करेगा, लेकिन वर्किंग लेफ्ट का करेगा और दोनों तरफ जलेगा लाइट। ठीक है, क्रूज कंट्रोल उधर और अपना ये ऑडियो कंट्रोल इधर। ठीक है, साथ में यहाँ पे जो हम इसका जो पैनल्स डाले हैं स्टीयरिंग कंट्रोल का, ये भी W8 वाला ही डाले हैं, ये देखो, तो बिल्कुल परफेक्ट W8 ऑप्शनल में जो आता है, टोटल का टोटल चीज वही डाला गया भैया इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं मून डिजाइन भाई, सबसे काफी सारे डिजाइन है स्टीयरिंग कवर का जो आप लोग करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सिस्टम जो लगाया गया भैया इसके अंदर, मेगासोनिक 464 लगाया गया है, प्लस 360 कैमरा लगाया गया है। ठीक है, साथ में यहाँ पे भैया आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ऑल टाइम फेवरेट, बिल्कुल ये देखिए क्रोकोडाइल फ्लोरिंग। ठीक है, जो बिल्कुल परफेक्ट फिट और सुपर हिट रहने वाला है, पूरा डाई वाली फ्लोरिंग होता है, ऐसे कोई स्टिचिंग वगैरह नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल खाचा तो खाचा बैठ जाता है और बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो भी इसमें मैट डाले हैं, हम डाले हैं 90, जो देख सकते हैं दिखाई 90 मैट हमारा 90 दिखाइए, ये 90 मैट है, साथ में ऊपर से ये इसके ऊपर ग्रास मैट, ग्रास टाइप का तो नहीं होता, अलग ही टाइप का होता है। साथ में ये पहले बटन आता था तो बटन खराब हो जाता था, टूट जाता था पैर रखने से, अब वेलक्रो आ गया, अब हमने कर दिया वेलक्रो, जैसे कि अब कोई मट्टी वट्टी आ गया तो उठा करके ऐसे झाड़ दीजिए बाहर और यहाँ पे अंदर से ला करके वेलक्रो के ऊपर रख कर ऐसे चिपका दे, बस हो गया। ओके रिपोर्ट, ठीक है ना, परफेक्ट फिट और सुपर हिट है। ठीक है, जो जो काम किया गया भैया इसके अंदर परफेक्ट फिट और सुपर हिट के तरह ही किया गया है और बिल्कुल प्लग एंड प्ले के हिसाब से ही किया गया है। अब कहीं से भी आते, इतने दूर दूर से ट्रस्ट करके आते हैं, मेरे पास काम करवाने के लिए आते हैं, गाड़ी लेकर के आते हैं, W42 लेके आते हैं, 4 लेके आते हैं, 6 लेके आते हैं, 8 लेकर के आते हैं, तो इतने दूर से आते हैं, विश्वास करके आते हैं, तो हम भी आपके विश्वास, आप ट्रस्ट करके आते हैं तो हम भी आपको विश्वास, आप गाड़ी के जो भी काम करते हैं ना बिल्कुल ट्रस्ट के हिसाब से ही करते हैं और प्लग एंड प्ले ही करते हैं। गाड़ी का जो भी गारंटी होता है ना आपका, उसमें एक पैसे का हम लोग ऐसे कोई काम नहीं करते हैं जो आपकी गाड़ी की गारंटी में प्रॉब्लम आ सके। ठीक है, इसलिए हम प्लग एंड प्ले ही काम करते हैं, चाहे कोई भी काम हो, गाड़ी का पूरा काम क्यों ना हो, और गाड़ी की गारंटी आपका बिल्कुल सेफ रहता है। चलो भाई, बढ़िया चीज है गाइस। एक चीज और मिस कर रहे हैं, 360 डिग्री का कैमरा, वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं जैसे ही 360 पे क्लिक करूंगा तो देखो हमारे पूरा रियर प्रोफाइल, हमें 3D व्यू चाहिए भाई, कार अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हो, पूरा कैलिब्रेट होता है 360 के बाद। उसके बाद ये हो गया हमारा भाई पूरा फ्रंट का, ये हो गया पूरा बैक का, ये हो गया भाई हमारा लेफ्ट साइड का, देखो इंडिकेटर ब्लिंक करेगा, ये हमारी राइट साइड का, ये हमारा दोनों साइड का, और भाई ये पूरा का पूरा फ्रंट हमारा, और सिंगल क्लिक पूरा का पूरा बैक हमारा। तो भाई बहुत ही बढ़िया चीज है 360, अपनी गाड़ी में लगवाओ।
क्वालिटी जो होता है ना 360 का, आप तो दिखाई हुए किए अभी, ये दिखाइए क्वालिटी, दिखाइए आप फ्रंट से, दिखाइए कहीं से भी दिखाइए, ये क्वालिटी देखिए, इसका क्वालिटी जो रहने वाला है ना बिल्कुल परफेक्ट है। अभी नाइट का टाइम है, रात का टाइम है भैया, उसके बाद थोड़ा सा झिलमिलाहट भी मुझे दिखा दो, ये देखो भाई एक पैसे का भैया झिलमिलाहट नहीं होगा, जो रहने रहेगा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ठीक है, और बिल्कुल जिसका जो 360 का जो चारों तरफ का जो है ना व्यू जो है बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। फ्रंट का देखने तो फ्रंट का दिखाएगा, रियर का दिखना रियर का दिखाएगा, साइड का राइट साइड का दिखाना, राइट साइड का लेफ्ट का दिखाना, लेफ्ट साइड का। उसके बाद भैया आप इसके अंदर रिकॉर्डिंग सिस्टम भी है, ठीक है, आप मेमोरी कार्ड लगा करके ना रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, आप गाड़ी चला रहे तो फ्रंट डीवीआर की जरूरत, डीवीआर मतलब कि आगे पीछे एक साथ साइड वाइड सब देख सकते हैं और रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये मतलब कि सेफ्टी चीज है एक तरीका से ना, बहुत बढ़िया चीज है। और जैसे कि ट्रैफिक होता है भैया, तो आप आराम से गाड़ी लेकर के निकल सकते हैं 360 के अंदर, क्योंकि आपको पता चल जाता है साइड से ही, सेट में देख करके कितना जगह है मेरे गाड़ी के साइड में, तो आराम से आप गाड़ी से निकल। तो अपनी गाड़ी का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, अब चलते हैं अपने भाई के पास जिनका गाड़ी है, उनका रिव्यू लेते हैं, उनको काम कैसा लगा, तो चलते हैं भैया के पास और बिल्कुल धमाका कर देते हैं और बिल्कुल रिव्यू कैसा देते हैं देखते हैं। सो गाइस ये हमारे सारे भाइयों की XUV300 थी, और ये देखो भाई हमारा 2777 हमारे भाई की गाड़ी, और टोटली A to Z मॉडिफिकेशन हुई है। तो हमारे तीनों के तीनों भाई आए थे, सबसे पहले भैया हमारे, भैया कैसा लगा मॉडिफिकेशन? भाई एक नंबर भाई, मजा आ गया भाई, मॉडिफिकेशन छोड़ो भाई एक नंबर है। अरे वाह मजेदार चीज, जो सोच के आए थे वीडियो देखते थे भाई एक नंबर भाई, सोच के तो छोड़ो, अच्छा उससे परे कर दिया, जवाब ही नहीं है, एक नंबर जवाब ही नहीं है भाई, समझो बात को, ठीक है मतलब पूरा खुश है, पूरा एक नंबर भाई एक नंबर। चलो भाई बोलने खुशी की जरूरत नहीं है, गाड़ी दिख रही है खुशी से, सबको दिखती है वो गाड़ी। अरे वाह बढ़िया चीज है, मतलब फुल भाई हमारे खुश है, एक नंबर वाइब्स है, पूरी ओके वाइब्स है, कोई इश्यू नहीं है उसमें, बढ़िया गाड़ी कर रखी है भाई ने, भाई ने दिल से काम किया है। अरे वाह, ग्राहक देख के काम नहीं किया, बिल्कुल भाई की तरीके से काम किया बड़े भाई ने। चलो बड़े जब छोटे भाई आप भी बता दो, भाई ने शेर को सवा शेर बना। अरे वाह मजा आ गया, मजा आ गया, हमें काम ऐसा करा भाई ने, छोटे भाई की तरह ही दिल खुश कर दिया गाड़ी। अरे वाह मजेदार चीज, मजेदार। चलो तो भाई हमारे वाले भाई बताएंगे, ये तो भाई मेरा तो डेली का काम है भाई, मेरा तो डेली का काम है ऐसा काम देखना, इसीलिए मैंने बोला मेरे दोस्त को राकेश भैया के पास आओ और ये वाला काम करवाओ भाई। चलो भाई बढ़िया, W4 को W8 राकेश भैया ने बना दिया। अरे थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू राकेश भैया को भी। एक बात ना मैं कहना चाहूंगा ऋतिक भैया के लिए, परफेक्ट फिट और सुपर हिट जेन्युइन मैन, मतलब की सुपर मैन और स्पाइडरमैन से भी ऊपर। अरे वाह बढ़िया, जय श्री राम, जय श्री राम।